अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सॉल्यूशन विद डॉक्टर सना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो है स्टूडेंट से रिलेटेड स्ट्रेस और एनजाइटी जो कि वो डिफरेंट फेजेस में अपने इंस्टीट्यूशंस में फ़ेस करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमल जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं किस तरह हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कमल आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम कमल है और मैंने वुमेन मेडिकल कॉलेज से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की है यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स से। ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने जो है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिस्ट की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि मैंने माइग्रेंट्स के साथ ऑनलाइन वर्किंग की है। ठीक। एज अ साइकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छा जी। कमल, आपको क्या लगता है एज ए साइकोलॉजिस्ट, जो आजकल हम देख रहे हैं और पहले भी जैसे हमने देखा है कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस होता है, जो कि हम देखते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि कितनी नीड है इन इंस्टीट्यूशंस में एक साइकोलॉजिस्ट की? एक्चुअली मैं आपको अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ का स्कोप नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजिस्ट को होना, वेदर वो स्कूल है, मॉन्टेसरी लेवल है, वो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो समटाइम्स उनके ऐसे इशू होते हैं कि जिसको टीचर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस वजह से मेरे ख्याल साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस इशू को हमें बहुत ज़्यादा रेस करना चाहिए। अब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, जब आप अगर देखें तो स्टडीज़ में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वो वीक होते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हमारी जो टीचर्स हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड, वो कहते हैं कि ये बस वीक है, लेकिन मतलब उनको भी समझ क्या इशूज हैं वो बिल्कुल हमें मालूम होने चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में कि हर बच्चा सेम नहीं होता, बिल्कुल उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, तो वो किस तरह एक साइकोलॉजिस्ट ही अंडरस्टैंड कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो उनके ऑलरेडी, आप अगर देखें हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ स्कूल हों, कॉलेजेस हों, कहीं पे भी हों, वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारा बर्डन होता है, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उस बर्डन और उस प्रेशर में वो स्टूडेंट के ऊपर वो फोकस नहीं कर सकती हैं कि वो इनके इन इशूज़ को सॉल्व करें, कि हम स्टूडेंट है उसका अगर कोई इशू है तो उसको हमने कैसे लाइक उसके साथ डील अप करना है, कि मे बी वो उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा उस सब्जेक्ट में। ठीक है, मे बी जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ ही नहीं आ पा रही होती है। ठीक है, उनके मेन इशू है कि उनको बिल्कुल वो अंडरस्टैंड हो ही नहीं पा रहा होता, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, और स्टूडेंट्स इस तरह स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको काफ़ी वो स्ट्रेस हो जाते हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से पेरेंट्स भी आप देखें उनको भी होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे, तो आई थिंक सो इस चीज़ के लिए एक साइकोलॉजिस्ट है जो उन बच्चों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उनकी उन प्रॉब्लम्स को ग्रेजुअली डील भी कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम आपकी क्या सजेशन है कि हम स्कूल्स में किस तरह से एम्फेसाइज कर सकते हैं कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट अगर है तो वो साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या हर टर्म के एंड पे जिस टाइम पे बच्चों को प्रोग्रेस दी जाती है या कोई रिपोर्ट दी जाती है एग्जाम्स के बाद या मिड टर्म्स के बाद, तो उसमें एक सेशन इस तरह का होना चाहिए जिसमें हमें लगे कि अगर वो वीक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और बाकी बच्चे कर पा रहे हैं या हर बच्चे के कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं, तो आप क्या कहती हैं कि उसको हम वहाँ पे एड्रेस करें या डिफरेंट स्टूडेंट के साथ काउंसलिंग हो, किस तरह से करें इसको? आई थिंक सो इसमें तो ज़्यादा बेटर ये है कि हर स्कूल के लिए एक एक साइकोलॉजिस्ट अलॉट हुआ वो। ठीक है, जब साइकोलॉजिस्ट अलॉट होंगे तो वो साइकोलॉजिस्ट हर वक्त वहाँ पे अवेलेबल होंगे, उससे ये होगा कि हर मंथ के लिहाज से, क्योंकि स्टूडेंट्स में पूरे ईयर के बाद प्रॉब्लम्स नहीं आते, वो तो पूरे ईयर के बाद प्रॉब्लम को फेस करके वहाँ बैठे होते हैं, तो जब हर मंथ में उनके जो प्रॉब्लम होंगे तो ऑफकोर्स वो जब साइकोलॉजिस्ट रिजॉल्व करेंगे तो तब उनके वो इश्यूज खत्म होंगे, फिर उनकी प्रोग्रेस भी आएगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनको खुद अंडरस्टैंडिंग होगी, उस टीचर्स को भी अंडरस्टैंडिंग होगी और पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिस्ट एक अलॉट हो जो स्कूल कॉलेजेस के साथ हों। ठीक है, हर जगह पे, हर स्कूल में, बेशक वो छोटे लेवल का स्कूल है या कोई भी है, लेकिन उसमें साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए ताकि वो मंथली बेसिस पे हर स्टूडेंट की काउंसलिंग करें, प्रॉपर उनका मतलब चेक इन बैलेंस रखें कि भाई इनमें क्या प्रॉब्लम है,
और इसमें टीचर्स को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के साथ फुली कम्युनिकेट करें, क्योंकि टीचर्स को ऑफकोर्स स्टूडेंट्स का ज़्यादा पता होता है, ठीक है, उनके साथ वो होते हैं, उनको पता होता है कि ये कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो वो जहाँ पे लैग कर रहे हो तो उस चीज़ को फिर साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनके साथ डील अप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर इसी तरह स्ट्रेसेस या डिप्रेशन, इन लेवल्स पे स्टूडेंट्स की बात नहीं पहुंचती है। बिल्कुल, जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सोसाइटी में हम चीज़ देखते हैं कि जो सब्जेक्ट सेलेक्शंस हैं या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना, तो ये किस तरह से हम इस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें कि इधर हमारा बच्चा इतना केपेबल है कि वो कर सकता है या नहीं, या जो हमारे यहाँ एक हम इम्पोज कर देते हैं ना अपनी कि भाई मेरे बच्चे, इस बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है, सही, तो वो किस तरह से उन उस प्रेशर में आके वो बच्चा पढ़ाई करता है, तो आप किस तरह से बताएंगी कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे क्या स्ट्रेसेस फील करते हैं? नहीं, ये भी वैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया है, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि जो जिस तरह जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसमें काउंसलिंग सिर्फ स्टूडेंट की नहीं होती, उसके पेरेंट्स की भी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वाकई ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारे जो हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, या फिर इनको साइंस ही पढ़नी है या फिर इनको इंजीनियरिंग की ही फील्ड के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा कि कोई सब्जेक्ट्स अगर इंटरेस्ट भी होगा बच्चे को लेकिन उसको नहीं पढ़ना दिया जाएगा, विच इज़ लाइक लिटरली अ प्रेशर ऑन द माइंड, ठीक है, वो ऐसा प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से जो स्टूडेंट, जो भी बच्चा है वो जो पढ़ भी रहा है वो उस पर भी फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लैग करता है। तो मेरे हाथ से साइकोलॉजिस्ट को, जो स्कूल्स के साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे, उनको चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की तो काउंसलिंग करें, लेकिन जहाँ पे वो देखें कोई ऐसा इशू है कि जहाँ पे पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है तो वहाँ पे पेरेंट्स की भी जो है काउंसलिंग करें, क्योंकि स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब उन सिनेरियोस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास आगे सिनेरियो क्या है, कि क्या स्टूडेंट जो है वो खुद सब्जेक्ट को समझ नहीं पा रहा, उसके अपने सर्टेन इश्यूज हैं, या फिर वो घर की तरफ से इस मामले में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है कि उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसकी तरफ उसको कहा जा रहा है कि बस वो फोकस करे, क्योंकि ये चीज़ ही आप देखें कितने ज़्यादा सुसाइड केसेस होते हैं हमारे यहाँ पे पढ़ते हुए हम देखते स्टूडेंट्स के, कि भाई उनके नंबर्स कम आ गए, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको मतलब किसी और फील्ड की तरफ परस्यू करने का कहते हैं, पीयर प्रेशर होता है बच्चे जो, बिल्कुल स्टडी प्रेशर होता है सब कुछ, वो इसी वजह से। अब अगर साइकोलॉजिस्ट हों तो आप यकीन करें ये सुसाइडल रेशियोज जो हैं ये बहुत कम हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो रही हो और स्टूडेंट्स की भी हो। बिल्कुल, जैसे पिछले दिनों में तकरीबन अगर हम 6 मंथ में देखें तो इवन कराची में ही हमने मल्टीपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ स्कूल्स में भी ऐसे सुसाइडल केसेस सुनने में आए, और कुछ इस तरह की बिल्कुल डेथ्स भी हुई हैं ना यंग बच्चों में, हमने, आपने भी सुना होगा 12 ईयर्स 14 ईयर्स में, तो ये चीज़ें अब ये रेशो बढ़ता जा रहा है ना। और एक ये जो ओवरऑल वर्ल्ड पेंडेमिक के बाद से, कोविड के बाद से जो हमने देखा कि एक जो गैप आया है 1.5 या 2 ईयर्स का, तो उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़ाहिर स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, उसके हवाले से आप क्या कहती हैं कि उसमें हम क्या एक देख रहे हैं बच्चों में जो लैकिंग आ गई है उसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो वाकई स्टडी से इतना दूर रहे हैं बच्चे, और ऊपर से हमारे यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम भी इतना ज़्यादा नहीं था, फुल फ्लैश नहीं था कि जिसकी वजह से बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा सीख सकते। तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी ये है कि अभी हमें इस सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। ये जो ऑनलाइन स्टडी है, जैसे अभी तो चलें फिर बहुत सारे स्कूल्स ओपन हो गए हैं सब कुछ, लेकिन अब दोबारा से जैसे अब दूसरा फेस का बोल चलें ठीक है, तो उससे अगर दोबारा क्लोज होते हैं तो, लेकिन एटलीस्ट ऑलरेडी इस चीज़ को प्रिपेयर होना चाहिए कि जैसे जो अब घरों में भी बच्चे, अब जैसे ऑनलाइन हमारी ये कितनी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं कि ऑनलाइन भी हम साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल्स या कॉलेजेस को चाहिए कि वो अपना ऑनलाइन सिस्टम ऐसा करें, वो अपना सिस्टम ऐसा करें, एक तो ऑनलाइन स्टडीज के या पूरा एक सिनेरियो हो जिसपे उनको वो पढ़ाई जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो भी हर स्कूल कॉलेज अगर देखें जाया नहीं जाता तो वो इस सिस्टम को भी अडॉप्ट करें कि ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाए कि जो ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, जो उनकी लैकिंग आ रही है वो उसको अंडरस्टैंड करके उसको ओवरकम कर सकें, क्योंकि ऐसा भी है कि जाहिर है बच्चे घर में इतना फ्री रहे हैं ठीक है, तो वो उस चीज़ को भी अडॉप्ट कर लेते हैं कि अब उनसे फिर स्टडी की तरफ, और फिर फौरन स्टडी की तरफ आके स्कूल्स का भी प्रेशर है कि उनकी भी इतना ज़्यादा गैप आ गया, उनको भी लॉस हो गया और बहुत सारे बच्चे जाहिर उनका उनके करिकुलम कम्प्लीट करने हैं, उनका ईयर जा रहा है, इस तरह
उनके पेपर्स आ रहे हैं उसके सब कुछ है, तो आई थिंक सो उनको भी ऑनलाइन साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें, क्योंकि पेरेंट्स भी हैं वो बहुत सारे पॉइंट नहीं समझ पा रहे होते, तो वो जब साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करते हैं तो आप ये ऑटोमेटिकली आप उन पॉइंट्स को, अपने बच्चे के पॉइंट्स को समझ जाते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह से मतलब ईजिली आई थिंक सो के जो हमारे यहाँ का ये सुसाइडल रेशियोज हैं या बच्चे जो हैं वो स्टडीज़ में लैक आउट कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये रेशियोज बहुत कम हो सकते हैं। कंवर, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, कोई सेशंस लेना एक बहुत ही मतलब आपने देखा है ना कि एक शेमफुल एक्ट लिया जाता है, शेमफुल एक्ट लगता है लोगों को, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो जिस फेस पे जाके लोगों को कंसर्न करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट से, या इवन अगर कोई सोच रहा है किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने का, तो वो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वक्त हमें, अगर हम लोगों को बताना चाहें कि भाई आप अगर इन इश्यूज को फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो आपको एक बिल्कुल किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इस मामले में तो मैं ये कहूँगी कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ स्ट्रेस हो जाए, नॉर्मल एंजाइटी, इसको नॉर्मल लिया जाता है, स्ट्रेस है इट्स ओके, कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, वो स्ट्रेस लेवल जो है, जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस होते हैं वो बढ़ के डिप्रेशन लेवल पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम साइकोलॉजिस्ट या उनके पास नहीं कंसर्न करते, क्योंकि वाकई हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं अच्छा समझा जाता कि भाई हम पागलों के डॉक्टर के पास जाएं, इट्स नॉट लाइक दैट, यू नीड समवन टू कम्युनिकेट, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आपके स्ट्रेसेस इस तरह के होते हैं कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे होते, और वो स्ट्रेसेस आपको, आप देखें डिप्रेशन में जाके आपको डिफरेंट किस्म की मतलब इलनेस में आप लोग जा रहे होते हैं, आप देखें कितनी ज्यादा बीमारियां हैं, लोगों को वो समझ नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। आपको अगर लगता है कि आपके वो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रेस हो चुके हैं लेकिन आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और आपका स्ट्रेस, क्योंकि देखिए हर इंसान को ये तो पता होता है कि वो स्ट्रेस में है, इसमें हम कोई एक स्पेसिफिक आपको लाइन नहीं दे सकते कि ये लाइन आएगी तो आप फिर समझें कि आप स्ट्रेस में, नो, एवरीबडी नोज देयर सेल्फ, सो उनको पता होता है कि अभी हम स्ट्रेस में हैं, ठीक है, आपको अगर लगे कि नहीं स्ट्रेस लेवल मेरा एक रीच है उससे अब चला गया है, तो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट एटलीस्ट, नो मतलब क्योंकि इनिशियल लेवल्स पे आपको नहीं ज़रूरत होती साइकेट्रिस्ट की, लेकिन आप एक माइनर स्ट्रेस में भी हो तो आई थिंक सो, अगर वो जैसे एक होता है कि आपका एक स्ट्रेस है एंड वो वीक से ज़्यादा बढ़ गया है, यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर आपको नहीं पता ना कि फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, रिलेटेड अगर पता चल जाए कि कितना नुकसानदेह है तो फिर बिल्कुल एट टाइम्स आपकी कितनी इलनेस है, आप यकीन करें कितनी कितनी है, मतलब जैसा हार्ट डिजीजेस होगी हमारी, स्टमक डिजीजेस होगी हमारी, इस तरह के, अब जैसा बहुत सारे लोग हैं इनको आप ये देखें ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, सब कुछ क्यों होते हैं, ये स्ट्रेसेस और डिप्रेशन है ना, इस वजह से होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेसेस को उस लेवल पे लेके जाते हैं, आप देखें आप किसी चीज़ का भी हुआ है वो माइनर स्ट्रेस है लेकिन अगर वो एक्सीड कर रहा है वन वीक से ऊपर, आई थिंक सो यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल, और लोग अगर समझ लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम जो अपनी यही छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर आगे वो एक बड़ा कोई मेडिकल इलनेस के तौर पे सामने आती हैं, तो उन चीज़ों को किस तरह से कम कर सकते हैं अगर वो कॉन्टैक्ट कर लें किसी साइकोलॉजिस्ट से? मेरे ख्याल से मैं तो सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो हैं मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को एक शेमफुल एक्ट नहीं समझें, ठीक है, आप प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्ट करें और उन लोगों के अपने जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट के रिलेटेड हैं, मतलब आपके पेरेंट्स के रिलेटेड हैं, किसी भी रिलेटेड हैं, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल है तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर ज़रूर कंसल्ट करें, चाहे वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट को करें लेकिन ज़रूर कंसल्ट करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच कंवर, हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी टिप्स इन्होंने शेयर किए हैं कि किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्पेशली जो हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस में वो स्ट्रेस हर लेवल पे जो फेस करते हैं उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। कंवर हमारे साथ हेल्थ सॉल्यूशन ऐप में मौजूद हैं, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इनसे सेशन लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपका इनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आप भी हेल्थ सॉल्यूशन ऐप
लैब के थ्रू अपने मल्टीपल ब्लड टेस्ट, ब्लड की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, या एम्बुलेंस या नर्सेज या कोई भी इक्विपमेंट अरेंज करवाना चाहते हैं, तो आज ही हेल्थ सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी सर्विसेज डोर स्टेप पर हासिल करें। थैंक यू सो मच। डाउनलोड हेल्थ सॉल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ। अल्लाह हाफिज़। हेल्थ सॉल्यूशंस पर वैक्सीन ऑर्डर करें और कोविड-19 की वैक्सीनेशन घर पर रहते हुए लगवाएं।